किया कैरेंस और एक्सल 6 को अगर कंपेयर करना है तो लगभग 17.5 लाख रुपए का ऑन रोड बजट हमें रखना होगा। क्यों? क्योंकि एक्सल 6 का 17.5 लाख रुपए में टॉप एंड वेरिएंट अल्फा 80 आ जाता है, जबकि किया कैरेंस का टॉप एंड 23.5 लाख रुपए तक जाता है। पर क्योंकि हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो हम वही वेरिएंट कंपेयर करेंगे जो दोनों एक बजट में आ सकते हैं। तो प्रेस्टीज प्लस करके किया का एक वेरिएंट है जो कि 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ आता है। यहाँ पर IMT आपको मिलता है, ये लगभग 17.5 लाख रुपये ऑन रोड में आपको पड़ जाता है। इन दोनों को जब मैं कंपेयर कर रहा था तो बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आई। अगर प्रीमियमनेस की बात करें दोनों गाड़ियों में है, किया करेंस रोड प्रेजेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, इंजन परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। XL6 की बात करेंगे, अर्टिगा वाला सिमिलर इंजन यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन प्रेजेंस में, रोड प्रेजेंस में थोड़ा सा फ़र्क आपको देखने के लिए मिलता है। XL6 ज़्यादा हावी, ज़्यादा भारी गाड़ी लगती है। तो हर वीडियो की तरह सबसे पहले इंजन कंपैरिजन हो जाए। अगर XL6 की बात करोगे, K15C स्मार्ट हाइब्रिड इंजन जो कि 102 BHP की पावर, 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको प्रोवाइड करेगी। 4 सिलेंडर इंजन है, काफ़ी स्मूथ है और लंबे सफरों के लिए बहुत ज़्यादा रिलायबल है। क्यों? क्योंकि अर्टिगा में हम देखते आ रहे हैं बहुत समय से गाड़ी चल रही है, बहुत कम दिक्कत होती है, इजी टू रिपेयर होता है और सर्विस कॉस्ट बहुत लो हो जाती है मारुति की वजह से। वहीं अगर कैरेंस की बात करोगे, 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिल रहा है आपको जो कि लगभग 158 BHP की पावर, 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड करती है। इंजन बहुत ज़्यादा शानदार है परफॉर्मेंस में। 4 सिलेंडर इंजन है तो यहाँ पर भी स्मूथनेस की कोई कमी आपको नहीं लगेगी। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स मुझे नज़र आए जिससे कि हम XL6 की तरफ जा सकते हैं या फिर कैरेंस की तरफ। जो लोग ऑटो एंथुजियास्ट हैं, जिन लोगों को पसंद है चलाना, वो लोग कैरेंस की तरफ आ सकते हैं, और जिन लोगों को थोड़ा आराम चाहिए, जिनको कन्वीनियंस चाहिए, वो अर्टिगा की तरफ। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? सिर्फ पावर टॉर्क से नहीं होता है दोस्तों, गाड़ी का वेट रेशो के हिसाब से कैरेंस थोड़ा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन XL6 ऐसा नहीं कि बहुत कम परफॉर्म करेगी। परफॉर्मेंस में XL6 भी बहुत ज़्यादा आगे, लेकिन कुछ चीज़ें प्रोवाइड करती है जैसे कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अब आप ये बोलोगे कि कैरेंस भी तो हम ऑटोमेटिक ही देख रहे थे, तो दोस्तों वहाँ पर IMT मिलता है जो कि थोड़ा सा मुश्किल है। क्लच नहीं है, क्लचलेस है, लेकिन आपको फिर भी मैनुअली जो है गियर शिफ्ट करने होते हैं, डाउन नहीं करने होते, अपशिफ्ट करने होते हैं, तो दिक्कत होती है, थोड़ा ना थोड़ा फर्क आपको पड़ जाता है। जबकि टॉर्क कन्वर्टर जो कि आपको XL6 के अंदर मिल रहा है, उसमें कोई तकलीफ आपको कभी भी नहीं आने वाली। साथ ही साथ क्रूज़ कंट्रोल, अगर आप ज़्यादातर हाईवेज पर चलते हैं तो एक आदत हो जाती है क्रूज़ कंट्रोल की एक समय के बाद कि भाई क्रूज़ लगा दो छोड़ दो। कैरेंस के अंदर आपको क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलेगा, जबकि XL6 आपको क्रूज़ कंट्रोल प्रोवाइड कर देगी। आगे बढ़ता हूँ, डायमेंशंस की बात करता हूँ। डायमेंशंस में अगर लेंथ और विड्थ की बात करें तो दोनों जगह किया कैरेंस आगे निकलती है, लेकिन हाइट में थोड़ा सा जो है XL6 आगे निकल जाती है। थोड़ी सी 4 सेंटीमीटर की हाइट जो है आपको ज़्यादा मिलेगी XL6 के अंदर। वहीं अगर मैं बात करूँ व्हील साइज़ की, तो 205/65 R16 के व्हील आपको कैरेंस के अंदर मिल जाते हैं। अर्टिगा हमने देखी थी जिसमें 15 इंच के व्हील्स रह गए थे, और हम सोच रहे थे कि यार थोड़ा तो एक्स्ट्रा अच्छा कर सकते थे, 16 इंच के व्हील दे सकते थे, जब आप लगभग 16 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। XL6 के अंदर आपको 195/65 R16 के व्हील प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ हो जाती है। व्हील साइज़ बड़ा मिल जाता है, व्हील बेस अच्छा मिल जाता है, स्ट्रक्चर बड़ा मिल जाता है, तो गाड़ी को चलने के लिए भी ईजी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर माइलेज की आती है। देखो, दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पर सही चल रही हैं, कहीं पर कैरेंस आगे जा रहा है, कहीं पर XL6 आगे जा रही है, लेकिन यहाँ माइलेज की बात आती है तो मारुति किसी को भी पछाड़ देती है। XL6 जो है उसका क्लेम्ड माइलेज लगभग 20 के आसपास है, जो कि आपको 18 तक, 17 तक या 16 तक तो कम से कम मिल ही जाएगा, जबकि कैरेंस का एक्चुअल माइलेज ही 13 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से सिटी पे आता है, और अगर आप हाईवेज पर जाओगे तो लगभग 15-16 ही प्रोवाइड करेगी। मतलब आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि 14-15 का माइलेज मिलेगा। तो इनिशियल पेमेंट अगर आप 16-17 लाख की कर रहे हो, लेकिन जो लॉन्ग रन है उसके अंदर आपको पता चलेगा कि XL6 थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है, जबकि मारुति यहाँ पर थोड़ा पैसा सेव कर लेती। साथ ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तो है XL6 के अंदर, लेकिन यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स भी आपको दिए जाते हैं, तो एक फ़ायदा वहाँ पर भी हो जाता है। अब कुछ ऐसे फीचर्स की बात करूँगा जो कि आपको XL6 में तो मिलेंगे, लेकिन करेंस के अंदर नहीं मिलेंगे, किया करेंस में आपको प्रोवाइड नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि क्रूज कंट्रोल, सबसे पहले ही मैंने बताया क्रूज कंट्रोल यहाँ पर नहीं मिलता किया करेंस के अंदर। दूसरा, वेंटिलेटेड सीट्स। XL6 के अंदर आपको फ्रंट 2 सीट्स पे वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं, जबकि किया करेंस वो प्रोवाइड नहीं करती है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ड्रॉबैक आपको नजर आएगा। तीसरा, इतने पैसे आपने खर्च किए 17-17 लाख रुपए, तो उसके बाद आप सोचते हो कि आपको जो रियर व्यू कैम है उसकी जगह पर 360 कैम मिल जाए। किया करेंस में ये नहीं मिलता है, लेकिन XL6 में 360 डिग्री कैमरा आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपको और आगे बढ़ाता है कि यार XL6 ले लेनी चाहिए। पर पार्किंग सेंसर की बात करोगे तो कैरेंस में आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जबकि रियर तो मिल ही रहे हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें आगे पीछे होती हैं। दोनों गाड़ियों में 8-way एडजस्टेबल ड्राइवर सीट होती है, रियर सीट को आप 6-way एडजस्ट कर सकते हो, उसके भी पीछे वाली सीट को 4-way एडजस्ट कर सकते हो। याद रखना XL6 के अंदर सिर्फ 6 ही सीटें हैं, तो आपको जो पीछे वाली सीट है वो बेंच की जगह, जो मिड रो सीट है वो बेंच सीट की जगह सोफा सीट मिल जाती है। बढ़िया, सोफा नहीं कह सकते बट हाँ, मतलब कैप्टन सीट्स आप उन्हें कह सकते हैं जो आपको मिलती है। दोनों गाड़ियों के अंदर टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है, 8 इंचेस का कैरेंस के अंदर मिलेगा 6 स्पीकर के साथ, और XL6 के अंदर 7 इंचेस का मिलेगा। सेफ्टी की बात करेंगे तो कैरेंस को मिले हुए 3 स्टार ग्लोबल एनकैप की तरफ से, और अर्टिगा को मिले हुए 3 स्टार। आप बोलोगे अर्टिगा पे क्यों जा रहे हो, कि लगभग सिमिलर सी बॉडी है, तो XL6 को भी लगभग 3 स्टार हम मान सकते हैं। बाकी
दोनों गाड़ियों में अगर एयरबैग की बात करोगे तो कैरेंस में 6 एयरबैग आपको मिल जाते हैं, एक्सल्स इसके अंदर आपको 4 एयरबैग मिलते हैं, बाकी ABS, EBD, ESP, ब्रेक असिस्ट जैसे सारे फीचर्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। हिल होल कंट्रोल भी दोनों गाड़ियों के अंदर आपको मिल जाता है। एक्स्ट्रा आपको कैरेंस में मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और हिल डिसेंट कंट्रोल, और हाँ TPMS भी। TPMS आजकल के समय में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो गई है, जो कि हर गाड़ी में होनी चाहिए, कि आपको गाड़ी में बैठे बैठे पता चल जाए टायर प्रेशर क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इन दोनों गाड़ियों के अंदर है। अब आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। लगभग 17.5 लाख रुपये खर्च करने अगर आपकी फैमिली में 6 ही लोग हैं या 5 ही लोग हैं तो XL6 थोड़ी ज़्यादा बेटर चीज़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर फीचर वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लॉन्ग टूर्स करते हो, इंजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हाईवे पर ज़्यादा सफ़र करते हो, XL6 काफ़ी अच्छा काम कर सकती है। लेकिन अगर आपको थोड़ा एंथू भी है कि भाई नहीं मैं कभी ऑफ रोड भी जाऊँगा, कभी ये भी करूँगा वो भी करूँगा, कैरेंस इसके लिए बनी हुई गाड़ी है। और ये चीज़ कभी भी मत सोचना कि इसके इंजन में पावर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा अच्छा काम करेगी। दोनों के इंजन लगभग सिमिलर साइज़ के हैं, टर्बो की वजह से वहाँ पर आपको थोड़ा टॉर्क ज़्यादा प्रोवाइड किया जा रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। उसके वजह से आपको टर्बो लाइक देखने के लिए मिलेगा, जो कि 80 में नहीं मिलेगा, इसमें आपको ऑटोमेटिक का ही लाइक देखने के लिए मिलेगा। दोनों गाड़ियों को टेस्ट ड्राइव लीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपकी इच्छा, आपकी ज़रूरतें क्या है, उसके हिसाब से आप गाड़ी चूज़ करें। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। इससे संबंधित और वीडियोस देखने हैं तो स्क्रीन पर रहे और चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि और भी ज़्यादा वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू।